उसका वेट। थैंक यू सो मच। हाँ बस माय मां ने कह रही है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का ब्लॉग मैं 3 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, पिछले 3 दिन बच्चों की छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड था तो पता ही नहीं चला दिनों का, और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना प्लान भी की थी कि मैं ये काम जो है ना घर के इन 3 दिनों में ख़त्म करूँगी, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो बहुत सारे काम आपके रूटीन से हटकर हो जाते हैं, वो ही एक रूटीन बच्चों को स्कूल भेजने वाली नहीं रहती। तो मैंने कहा चले मैं थोड़े से घर के जो काम मेरे पेंडिंग है वो खत्म कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल टोटल उससे अपोजिट हुआ, हमारे प्लान बिल्कुल चेंज हो गए और ये 3 दिन जो है ना पता ही चला कितने बिजी गुजर गए थे। तो क्या प्लान बने इन 3 दिनों में, हम लोगों ने कहाँ कहाँ फिरे, क्या क्या एंजॉय किया, मैं आगे आपके साथ कंप्लीट व्लॉग शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, सब बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, मरियम थोड़ा सा लेट उठी थी तो यहाँ पर मैंने उनके लिए जो है नाश्ता रेडी कर दिया है। बेगल है क्रीम चीज़ के साथ विद हैश ब्राउन, और मैंने साथ बनाई थी स्ट्रॉबेरी और बनाना के साथ स्मूदी, और बोनस जो था ना वो ब्राउनी थी। वो ब्राउनी भी जब आ जाती है ना घर में तो बच्चों ने ज़रूर खानी होती है। मैंने छोटी सी चले मैंने कहा ट्रीट एक दे देते हैं बच्चों को, यहाँ पर छुट्टी है और इन्जॉय करें। तो खैर यहाँ पर हम लोग निकल आए। आज हमारा जो प्लान था ना वो जाने का था जूलर की शॉप पर। तो हाँ जी, मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने ईद वाले व्लॉग में कि माशाल्लाह ईदी बहुत इकट्ठी हुई हुई है, तो मैं ईदी का क्या करूँ, और मैं सोच रही काफ़ी दिन से कि मैं उसका कुछ स्पेशल ले लेती हूँ, तो मैं सोचा कि मैं आज ज्वेलर की शॉप पे जाती हूँ और कुछ ज्वेलरी खरीदती हूँ। गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादातर मैंने कनाडा से नहीं ख़रीदी है, शायद जब मेरी आयशा बोर्न हुई थी या ट्विंस जब बोर्न हुई थी ना उस टाइम पे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था, तो यहाँ से मैंने कोई ज्वेलरी ख़रीदी थी। अदरवाइज़ क्या होता है कि पाकिस्तान जाएं या फिर सम टाइम दुबई स्टे हो जब पाकिस्तान जाते हुए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ से कोई छोटी मोटी कोई ज्वेलरी लेनी हो तो ले लेते हैं। कनाडा में मैंने ज़्यादा ज्वेलरी ख़रीदी नहीं है तो मुझे ज़्यादा शॉप्स का पता नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक शॉप पे लेके जाऊँगी जहाँ की ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद आई है। और एक्चुअली मैं क्या था कि मैंने जब लास्ट ईयर आपको याद होगा आयशा की बर्थडे पर उनको मैंने जो गले की चेन थी वो मैंने उनको बर्थडे पर गिफ्ट करनी थी, तो मुझे ये तब दुबई ज्वेलर से मैंने उसकी चेन ली थी, और अब इस वक्त ऑलमोस्ट माशाल्लाह साल गुजर गया है तो चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी रही थी और उसकी शाइन और क्वालिटी बड़ी अच्छी रही, तो इनके साथ डीलिंग भी मेरी बड़ी अच्छी रही थी। हालांकि छोटी सी चीज़ लेने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे से डील किया था। और इनकी शॉप जो है ना एयरपोर्ट रोड के आ गया है, मैं कंप्लीट एड्रेस भी अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, तो मेरे जहन में वही था कि मैं अगेन जो है ना कोई चीज़ भी लेने जाऊंगी ना इनसे लूंगी, क्योंकि अभी बार्गेनिंग करने का आप उधर रेट करने का मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, और छोटी मोटी चीज़ के ऊपर ज़्यादा बार्गेनिंग भी होती भी नहीं है। अगर कोई बड़ी चीज़ लेनी है तो चलो जी आप थोड़ा सा पैसों की का कर लेते हो, लेकिन इन्होंने तब भी बहुत अच्छे से डील किया था, बड़ी अच्छी वैरायटी दिखाई थी। चले मैं थोड़ी सी शॉप को मैं आपको चक्कर लगा के दिखाती हूँ कि क्या क्या इनके पास वैरायटी थी और मैंने क्या खरीदा वो भी दिखाती हूँ। चेन दरअसल ना जिस तरह आशा काम ये पहनी है ना इसने इस तरह की, इसी तरह हमें कुछ दिखा देना, इतनी डिजाइन थोड़ा सा चेक डिफरेंट हो जाए क्योंकि यहाँ से ली थी हमने, आपसे ही ली है ये वाली, इसके साथ मैच करती। ये देख लीजिए ये भी है, ये भी है, ये देखिए ये भी है। एक ये देखिए जी, इसमें आपको येलो चाहिए पूरी येलो भी मिल जाएगी, टू टोन नहीं चाहिए था। नहीं ये ज़्यादा ही बड़ी है, थोड़ा मिक्स कर देंगे। आशा ने अपने लिए ब्रेसलेट पसंद की है, आशा ने भी अपनी जो है ना ईदी से ही ब्रेसलेट खरीदी है, उनका उनको भी थोड़ा सा आजकल ना फजूल खर्ची नहीं कर रही है तो उन्होंने पैसे अपने इकट्ठे कर लिए थे। उन्होंने कहा था मुझे एक बड़ी सी मामा हाथ में पहनने वाली ब्रेसलेट चाहिए, और मैं अपने लिए गले में पहनने के लिए चेन देख रही हूँ। ये 425 की है, तो इस रेंज में और नहीं है कोई, मतलब इस रेंज में और डिजाइन एक ही है देखिए,
ये भी इससे हैवी है बट बहुत अच्छी है। अच्छा ये वही स्टाइल है इसमें उन्होंने डंबा किया बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बना इसका क्या उसका क्या? अगर आप कार्ड दें तो 977। नहीं मैं कैश करूँगी। हाँ जी 865 है। हाँ जी हाँ जी सब कुछ लिख के दूंगा जी। हाँ जी हाँ जी जो मर्जी आप ज्वेलरी के रिलेटेड कुछ भी सी आशा ने अपनी ब्रेसलेट परचेज कर ली थी और मैंने भी अपनी जो गले में रेगुलर डेली बेसिस में मैंने जो चेन पहनने के लिए लिया है बहुत खूबसूरत सी नफीसी चेन है, आप इसको माला भी कह सकते हैं। मैंने थोड़ी सी नेक लाइन से नीचे करके लिया ताकि ये पहनने में अच्छी लगे। इसके अंदर कोई मैं लॉकेट भी डालना चाहूँगी तो डाल सकती हूँ, ऐसे प्लेन पहनना चाहूँ तो पहन सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन भी है। और इसके अंदर जो था ना डबल टोन भी था लेकिन मैंने प्योर गोल्ड वाला ही कलर जो है ना वो लिया है। और आयशा ने अपनी ब्रेसलेट जो है ना बिल्कुल सेम वैसे डिज़ाइन की उनको मिल गई थी जैसे कि उनको मैंने उनकी बर्थडे पर गले में पहनने वाली चेन दी थी ना बिल्कुल सेम वैसे ही जो उसको ना ब्रेसलेट भी यहाँ से मिली है। तो उन्होंने बिल्कुल अपना एक पेयर बना लिया, उन्होंने ले ली। और नेक्स्ट वो कह रही थी कि मम्मा अब नेक्स्ट मैंने पैसे जमा करके ना मैंने रिंग बाय करनी है। तो मैंने कहा हाँ अच्छी बात है बेटा क्योंकि चीज़ें इधर उधर पैसे वेस्ट करने से बेटर है कि आप कोई अच्छी सॉलिड चीज़ ले लो। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया था और उन्होंने हमें रसीद भी बना दी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि आयशा को ना लॉक ब्रेसलेट का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मम्मा कहती कि अच्छा नहीं मुझे लग रहा कि ये डर लग रहा कि मुझसे खुल के गिर ना जाए क्योंकि मैंने डेली पहननी है। फिर यहाँ पर उन्होंने उसका लॉक भी उस वक्त उसकी पसंद का जो है चेंज भी कर दिया था। ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा आप सेटिस्फाइड हो जाओ देन ही उन्होंने हमें ना जाने दिया। तो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया, उन्होंने मुझे वेट बताया है रेट बताया कि उन्होंने क्या लगाया है और मैं सेटिस्फाइड हो गई थी। यहाँ पर उन्होंने हमारी पैकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी सर्विस थी, बहुत अच्छे से इन्होंने डील किया, काफ़ी अच्छा इनका जो है ना स्टाफ है और बहुत ही प्यारी दुकान है, हर चीज़ बहुत ही यूनिक थी स्टाइलिश थी। और मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें हैं रिंग है और मैं यहाँ रिंग्स की वैरायटी देख रही थी कि बहुत ज़्यादा रिंग्स की वैरायटी थी, हालांकि रिंग की इतनी वैरायटी कभी नज़र नहीं आती लेकिन इनके पास हर चीज़ की वैरायटी बहुत थी। अगर आप इनकी शॉप्स को गूगल पर सर्च करेंगे तो दुबई ज्वेलर्स के नाम से आ जाएगा एड्रेस वगैरह भी। और ये ब्रम्पटन के पास है और गूगल पर तो आराम से हर चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। सर्विस बहुत अच्छी है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि कुछ चीज़ परचेज करना चाहें सेल करना चाहें या जो यानी कि बाय करना चाहें तो ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कर कीजिएगा। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे मिठाई की शॉप पर और यहाँ से हम लोगों ने ली मिठाई जलेबियाँ और इसके साथ साथ हम लोगों ने समोसे भी लिए क्योंकि जब आप हम लोग इस स्वीट की शॉप पर आए ना तो फिर सब चीज़ें लेकर ही जाते हैं कि ताकि यार क्रेविंग जो है ना अच्छा लेने एक चीज़ आओ ना लेकिन उस टाइम पे क्या करता है बंदे का दिल के यार ये भी ले लें ये भी ले लें। सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी डलवा ली थी हालांकि बस लेने के लिए हम लोग मिठाई और थोड़े से समोसे आए थे कि चले ले लेते हैं क्योंकि मिठाई तो मैंने खिलानी थी अपनी फैमिली को क्योंकि मैंने इतनी प्यारी सी चेन ली थी आशा ने ब्रेसलेट लिया था मैंने कहा चले मुँह मीठा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी चीज़ें शॉपिंग डन की है और इस वक्त जाएंगे घर को। व्लॉग को यहाँ पर मैं एंड करूँगी, ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ज्वेलरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।